रामपुर गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में उसकी बीवी गीता और उसका एक छोटा सा बच्चा था। रघु गरीबी के चलते बेरोजगार था, इसलिए वह कभी शिकार कर लेता और कभी लकड़ी बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। सुनिए, आज घर में कुछ भी खाने को नहीं है और मुन्ना बहुत भूखा है। आज मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और ना ही मुझे गांव में कोई काम मिल रहा है जिससे मैं तुम्हारी और मुन्ना की जरूरत पूरी कर सकूं। रघु मायूसी से गीता से कहता है, हाँ लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। हाँ गीता, तुम ठीक कह रही हो। मैं जा रहा हूँ काम की तलाश में, शायद आज मुझे कोई काम मिल जाए। रघु ये कहकर घर से निकल जाता है। वह सारा दिन गांव में काम की तलाश में दर दर भटकता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला, मुन्ना भूखा होगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? रघु मायूस होकर भगवान से दिली दिल में ये बात कहता है और गांव के रास्ते पर चलता चला जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक मंदिर नजर आता है जहां पर पंडित लोगों को प्रसाद में खाना बांट रहा होता है। ये देखकर रघु खुश हो जाता है। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने मेरी दुविधा दूर की और मेरे बच्चे के खाने का इंतजाम कर दिया। रघु खुशी खुशी घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसे पेड़ के नीचे एक बीमार साधु बैठा मिलता है। प्रणाम साधु बाबा, आप यहाँ? आपकी तबीयत ठीक है? तथास्तु। नहीं पुत्र, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो बेटा। साधु की बात सुनकर रघु अपने हाथ में मंदिर से मिला प्रसाद देखता है और फिर सोचता है, साधु बाबा वाकई बहुत दिनों से भूखे हैं, मेरे पास खाना है लेकिन ये खाना तो मैं अपने बच्चे के लिए लेकर जा रहा हूँ। अगर मैंने इन्हें ये खाना खिला दिया तो मेरा बच्चा तो भूखा रह जाएगा। फिर रघु कुछ सोचते सोचते सारा खाना साधु बाबा को दे देता है। धन्यवाद पुत्र, तुमने मेरी भूख मिटाई, इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि आज तुम जो भी चीज चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगी और तुम बहुत अमीर हो जाओगे। अरे नहीं बाबा, धन्यवाद कैसा, ये अन्न आपके हिस्से का था इसलिए आपको मिला, और बाबा ये वरदान, इसकी मुझे क्या जरूरत है? पुत्र तुमने सही कहा, मगर ये वरदान मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, और देखना आज के बाद तुम जिस भी परेशानी में हो वो परेशानी तुम्हारी दूर हो जाएगी। साधु ये कहकर वहां से चला जाता है। और रघु उदास मन से जंगल की तरफ बढ़ जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जो खाना मुझे मंदिर से मिला था वो तो मैंने साधु बाबा को खिला दिया, अब मैं मुन्ना के लिए कहां से खाना लाऊंगा? रघु ये बात सोचते सोचते जंगल के अंदर चला जाता है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा,
ऐसा करता हूँ, जंगल में ही किसी जानवर का शिकार कर लेता हूँ। रघु शिकार करने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है। परंतु वह जंगल के उस हिस्से में जाता है जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता। लोगों का ऐसा मानना है कि वहां एक राक्षस रहता है। अभी रघु जंगल के अंदर ही जा रहा था कि उसको एक हिरन दिखता है। अरे वाह, ये तो हिरण है। अगर मैं इसका शिकार कर लेता हूँ तो इसकी खाल को बेचकर मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। रघु उस हिरण का शिकार करने के लिए जैसे ही अपना शस्त्र निकालता है, वह हिरण भाग जाता है। रघु हिरण के पीछे दौड़ता है। रघु भागते भागते देखता है कि हिरण कुछ दूर जाकर एक मासूम खरगोश के बच्चे को मुंह में दबोच लेता है। अरे ये क्या, इस हिरण ने तो इस मासूम से खरगोश के बच्चे को मुंह में दबाया हुआ है। अगर मैंने इसे नहीं रोका तो ये खरगोश के बच्चे को मार देगा। वैसे भी मैं तो इस हिरण का शिकार करने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि फालतू में इस मासूम की जान चली जाए, इसलिए मैं इसे बचाऊंगा। रघु ये बात सोचते सोचते अपने शस्त्र से हिरण पर वार कर देता है और हिरण जख्मी हो जाता है और खरगोश का बच्चा बच जाता है। तभी रघु के पास एक राक्षस प्रकट होता है। दुष्ट, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे जंगल में आकर मेरे ही जानवरों का शिकार करते हो? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रघु राक्षस को देखकर डर जाता है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं तो यहाँ एक छोटा सा शिकार करने आया था, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम मुझे मूर्ख समझते हो क्या? तुम लोग यहाँ आकर शिकार करके जानवरों की जान ले लेते हो और पैसे कमाते हो, और मैं तुम्हें बख्श दूँ? राक्षस ये कहकर जैसे ही रघु को मारने के लिए उसकी तरफ हाथ करता है, वैसे ही वहाँ बैठा नन्हा खरगोश राक्षस के ऊपर जाकर कूद जाता है और राक्षस गिर जाता है। राक्षस खरगोश के बच्चे से क्रोध में कहता है, मैं तुम सबकी जान बचा रहा हूँ और तुम इस दुष्ट की मदद कर रहे हो। इतना कहकर राक्षस फिर से रघु पर हमला करता है। तभी वह खरगोश अपना रूप बदलकर उस साधु बाबा के रूप में आ जाता है और फिर वह उस राक्षस से कहता है, मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तो तुम हो जो इसकी बात सुने बिना ही इसे मारने जा रहे थे। इसे यहाँ मैंने ही भेजा है। तूने ये तो देखा कि इसने हिरण का शिकार किया, मगर ये नहीं देखा कि इसने खरगोश के बच्चे की जान बचाई थी। वो अलग बात है कि उस खरगोश के रूप में मैं ही था। अगर ये मुझे उस हिरण से नहीं बचाता, फिर भी मैं बच जाता। राक्षस ये बात सुनकर साधु से कहता है, ठीक है, इसने खरगोश की जान बचाई, परंतु हिरण की जान तो ले ली। हाँ, इसने हिरण की जान ले ली, लेकिन हिरण भी तो शिकार करके मासूम जानवरों की जान लेता था, और अब तो उसने गांव के मासूम बच्चों की भी जान लेनी शुरू कर दी थी। साधु की बात सुनकर राक्षस रघु से कहता है, हे मनुष्य, मुझे क्षमा कर दो, मुझे लगा था कि तुम भी बाकी लोगों जैसे ही हो। राक्षस ये कहकर गायब हो जाता है। साधु बाबा, आपका धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। नहीं, मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, बल्कि तुमने मेरी जान बचाई, और अब ये हिरण तुम्हारा है, तुम इसे लेकर जा सकते हो। ठीक है साधु बाबा, मैं इसे ले जाता हूँ।
रघु ये कहकर जैसे ही उस मरे हुए हिरण को उठाता है, वह साधारण सा हिरण सोने के हिरण में बदल जाता है। साधु बाबा, ये तो वो हिरण नहीं है। हाँ पुत्र, ये वो हिरण नहीं है, बल्कि ये सोने का हिरण है। तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें एक वरदान दिया था, ये वही वरदान है। रघु साधु की बात मानकर वह सोने का हिरण ले जाता है। अब तुम ये सोने का हिरण ले जाओ, और हाँ, हमेशा इसी तरह लोगों की सहायता करना जैसे तुमने मेरी की थी। रघु साधु की बात मानकर वह सोने का हिरण ले जाता है। फिर वह बहुत अमीर हो जाता है, लेकिन वह गरीबों की मदद करना कभी नहीं भूलता।